बहुत अच्छा लग रहा है कि आज जो मैं आया था उस वक्त जो तापमान था उससे बहुत नीचे है। आज कोई भी बात मैं आज ही देखा होगा, यही जिसको बोलते हुरियत रामविलास पासवान इनके दरवाजे पर खड़ा रहा है, इन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। अब बातचीत के लिए तैयार है, बात करना चाहते हैं, तो सब लोगों में फर्क पड़ रहा है। भर्ती लगभग बंद हो गई, पथराव लगभग जो जुमे की नमाज के बाद का पथराव है वो लगभग बंद हो गया। हमारी कोशिश ये, हम भी बिल्कुल, हमको अच्छा नहीं लगता जब कोई नौजवान मरता है, हम तो उसको वापस लाना चाहते हैं। बहुत सारी सेंटर में उसके बारे में सोचा जा रहा है कि क्या स्कीम हो जिससे वापस आए, लेकिन ये जरूर है कि जब गोली चलेगी सामने से तो उसमें गुलदस्ता नहीं दिया जाता, गोली के बदले में तो जनरल साहब गोली देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ एक नेक नियति के साथ अगर हम लोग काम करें तो ये जो आजकल बच्चों को बहकाया जा रहा है कि मर जाओगे तो जन्नत मिलेगी, इनके पास तो दो जन्नत है। एक तो ये है जिसको जहांगीर ने घोड़े से उतर के कहा था कि जन्नत कहीं है तो यही है, और एक जन्नत अगर वो अच्छे मुसलमान के तौर पे रहेंगे तो बाद वाली भी मिलेगी। अभी की तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन दो की गारंटी ये तो है। इसको तो सारी दुनिया मानती है कि जन्नत है, इसको भोगो, इसको बढ़िया बनाओ और ये हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट बन सकता। कल मुझे इस बात की खुशी है कि मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने ड्रग्स के खिलाफ बोला, ये बहुत बड़ा मेनेस है, यहाँ बच्चों में ड्रग्स बहुत बुरी तरह से फैल रही हैं और इसमें आपका बहुत बड़ा रोल होगा एजुकेट करने में, समझाने में। जम्मू में भी बहुत बुरा हाल है, पंजाब तो बर्बाद ही हो गया है, तो पॉजिटिव तरीके से ये करिए। और कल्चर आपके पास परोसने के लिए इतना कुछ है कि ये आपकी सारी चैनल्स कामयाब होंगी और पार का झूठ जो है वो लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे, उसको नहीं समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत हो सकती है अगर हुरियत आगे आता है तो? ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है, वो इस पर रिएक्ट करेंगे। मैंने तो सिर्फ इतना बताया कि इतना फर्क हो गया है, दैट्स ऑल। सर जो इलेक्शन है जो 2019 के बाद की बात की जा रही है, पॉलिटिकल बात मत करिए, अगर मेरी सुननी हो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। बताइए सर। और वो ये है कि आप हर बार ये पूछते हैं कि यात्रा की सिक्योरिटी ये वो, मैं कहना चाहता हूँ यात्रा की सिक्योरिटी कोई जरूरत नहीं। यात्रा कश्मीर के लोग कराते रहे, कश्मीरी कराते रहे, वो फिर भी कराएंगे। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि सब तरफ से ये आ रहा है कि कश्मीर के लोग यात्रा में बहुत सहयोग करें। बातचीत का काम दिल्ली वालों का है, जब वो चाहेंगे तब होगा, मेरा उसमें कोई मैंडेट नहीं है। मुझे हालात अगर देखें, हालात काफी अब सुधर गए हैं, हालात काफी ठीक हैं और कोशिश करेंगे इससे भी ज्यादा ठीक हो, आपसदारी बढ़े, लोग इस बात को समझें कि ये गन जो है फ्यूटाइल है, गन से कहीं नहीं पहुंचेंगे, बातचीत से पहुंचेंगे। तो हुर्रियत वाले जो आप सोशल इश्यू उठा रहे हैं जैसे मीर भाई का आपने जिक्र किया, मैंने आपको लगता है मैंने अच्छा है? बहुत अच्छा, और कश्मीर को इसकी जरूरत है क्योंकि ड्रग्स बहुत बढ़ रहा है। सर अमरनाथ के लिए जो